अगर आप उनके विरोध में बोलोगे तो वो सड़कों पर हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो आपस में लड़ाई होगी। तो आप लोगों को टारगेट फिक्स करना चाहिए, और जो टारगेट आप फिक्स करोगे केवल मात्र उसी के विरोध में आपको लड़ना चाहिए। हम लोग जो इधर कमेटी बनाई गई, हमारे जैन साहब है उस कमेटी में भी मैंने ये बात उठाई है कि उनके समझदारी से काम लेना होगा। मैदान में हमारी आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमें जिनको टारगेट बनाना है उन्हीं लोगों के विरोध में हमारी लड़ाई होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हमारी आपस में लड़ाई होगी। मैं अनुरोध करता हूं इसके बारे में आप लोग ध्यान रखें। हमें ज्यादा से ज्यादा अगर इन लोगों को निपटना है तो ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर उन्होंने ब्राह्मण एवं तत्सम जाति के गरीबों के समर्थन का मामला उठाया तो ये सारा मामला 85% लोगों के विरोध में है, तो 85% लोगों को जत्थेबंद करने का आंदोलन करके मौका है, अवसर है, करो। तुम 10% ले लो, हम 85% ले लेते, बंदोबस्त कर देते, निपट लेते हैं। इस तरीके का काम करना होगा। उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई, हमें अपनी एक रणनीति बनानी चाहिए। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है न उस लड़ाई को लड़ा जा सकता है न जीता जा सकता है। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है ना उस लड़ाई को लड़ा जा सकता है ना जीता जा सकता है। तो इसलिए उनको 10 कहते हैं कि 10 ले लो, 15 में से ही तो 10 निकाला, जो 15 उनके समर्थक में है उसी में से 10 निकाला, 15 का 25 बना दिया, 15 का 25 बना दिया। वोट करते वक्त 25 कैसे होगा? वोट करते वक्त तो 15 ही होगा, ध्यान रखो। तो इस बात को इशू बनाकर 85 को मैदान में अगर हम जत्थे बंद करते हैं और रणनीति बनाते हैं और रणनीति बनाकर काम करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं इनको राजनीतिक रूप से निपटना संभव होगा। इस पर काम करना चाहिए। हवावेश में, भावनाओं में बहकर मुझे लगता है फिर निपटना संभव नहीं होगा। एक बात आप ध्यान रखिए, मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों को, हम अपने लेवल पर, जब हम क्षेत्र में सारे देश भर में काम करेंगे हम अपने लेवल पर ध्यान रखेंगे। आप लोगों को भी अनुरोध कर रहे हैं। अब तीसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बस तीसरा ही मुद्दा, ज्यादा लंबी बात, बहुत सारी बातें आ गई है। वो बात यह है कि जिन लोगों को आप निपटना चाहते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो हथियार है ईवीएम। वो हथियार ईवीएम है, और ईवीएम के बारे में मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है मेरे पास में है। अभी जो हमारे साथी कह रहे हैं ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का घोटाला पकड़ने वाली मशीन है पेपर ट्रेल। ईवीएम का घोटाला पकड़ने वाली मशीन है पेपर ट्रेल। तो ये 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जजमेंट दिया। अभी सारे देश भर में जो चर्चा मीडिया के द्वारा कर रहे हैं, मीडिया वाला चर्चा केंद्रित कर रहा है, वो देश के लोगों को गुमराह कर रहा है कि ईवीएम हैक होती है या नहीं होती है, ईवीएम हैक होती है या नहीं होती है। मीडिया इस मुद्दे पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जबकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया कि ईवीएम हैक होती है। जजमेंट लिखा हुआ है, मेरे पास से जजमेंट ले लेना जिसको भी चाहिए।